स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूरे समाज एवं सामूहिक श्रम पर होता है, यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनके ऊपर स्वामित्व मालिकाना जो हक होता है, जो मालिकाना हक होता है, जो अधिकार होता है, वो पूरे समाज का एवं सामूहिक श्रम। सामूहिक श्रम में वो व्यक्ति आते हैं, वो किसान आते हैं जो इस कृषि को करते हैं। सामूहिक श्रम, समूह में रहकर श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों का अधिकार इसमें होता है। सभी किसान अपने संसाधन, जैसे किसानों के पास क्या क्या संसाधन होते हैं, भूमि होती है, पशु होती है और श्रम, मेहनत वो जो करते हैं, ठीक है ना। सभी किसान अपने संसाधन जैसे पशु, भूमि और श्रम को मिलाकर कृषि का कार्य करते हैं एक साथ। सोवियत संघ में इसे, ध्यान से सुनिए, सोवियत संघ में इसे किस नाम से जाना जाता है? कोलक होज का नाम दिया गया है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलक होज का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए की गई। सामूहिक कृषि की शुरुआत क्यों की गई? कृषि की दशा सुधारने के लिए। देखो, कोई किसान गरीब है, कोई किसान अमीर है, संसाधन सबके पास अलग अलग है। अगर वो एक साथ हो जाते हैं, एक और एक, हमने भी सुना है कि 11 होते हैं, तो शक्ति बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, कृषि की दशा होगी वो सुधर जाएगी, उनके उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि क्या है, सभी किसानों का उसके ऊपर हक है। वह आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए की गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आएगा, ठीक है ना। उत्पादन अच्छा होगा, कीमत अच्छी लगेगी, तो क्या होगा, उनके अंदर भी जागरूकता आएगी कृषि को और अच्छे से करने की और ज्यादा करने की। तो इसकी शुरुआत किस लिए हुई थी? कृषि की दशा को सुधारने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और किसानों की आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए, कि किसान स्वयं आत्मनिर्भर बने, ठीक है बेटा। तो हमारा कृषि का टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा है खनन। नेक्स्ट वीडियो में हम खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक और इसकी विधियां पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।